हेलो सभी बच्चों को प्रतिभा मिस का बहुत बहुत नमस्कार। सभी बालक गणों को भी नमस्कार। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार। चलिए अभी हम क्लास सिक्स संस्कृत का पढ़ रहे थे। हमने लट लकार लट लकार संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, तीन वचन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तीनों पुरुष के बारे में पढ़ा। इसमें लट लकार में पाल गुलाब ने बताया था ती ता अंति सी था सा आमी आ। अब ती के साथ क्या लगेगा, देखो यहाँ पे सा तऊ ते, यहाँ पे ती आएगा वहां सा, और ता के साथ तऊ, अंति के साथ ते। कि मध्यम पुरुष में सी था तो उसके आसार लगेगा तो एक के लिए, युवाम दो के लिए, युवाम बहुत के लिए। अब यहाँ पे आ जाएगा आमी आवा आमा, इसमें भी इसके लिए लगेगा अहम एक के लिए, आवाम दो के लिए, और व्यम बहुत के। इसी फार्मूला से हमें पूरा करना है। अभी हमने इसके पहले वाला पेज 198 पूरा करा था। जैसे अहम के साथ हमने बोला था आमी तो खदामी, युवाम के साथ लिखत है ना, ते के साथ पठंती, युवाम के साथ थहा कीड़ता, आवाम के साथ नवामी, तव के साथ हंसता, इस तरह से करा था। अब हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 199। अब है अनुवाद कुरूत है, इसका अनुवाद करना है। आप लोग पढ़ चुके हैं, अब आपके परीक्षा लेने वाले उस तरह से है। चित्रों में कहीं आप अकेले हैं और कहीं किसी के साथ बैठे हुए कुछ बोल रहे हैं। आइए इसका अनुवाद करें। अब देखो जहाँ पे वयम आएगा वहाँ पे सबके लिए बोध होगा, और जहाँ पे अहम आएगा वो मैं का यूज होगा, आवाम के लिए दो के लिए यूज होगा, और युवाम के लिए दो का यूज होगा। इस तरह से ये करना है वयम के लिए, सबके लिए। अब पहला देखिए चित्र है, सब बच्चे सब बैठे खा रहे हैं, तो वयम खदामा, तो वयम खदामा में क्या लिखा हमने, हम सब खाते हैं। वयम का मतलब होता है हम सब, तो लिखेंगे हम खदामा मतलब खाते हैं, हम सब खाते हैं। फिर वयम पीवामा, वयम का मतलब होता है हम सब, पीवामा मतलब पीना, हम सब पीते हैं, हम सब पीते सके। नंबर थ्री मैं अहम पठामी, अहम मतलब मैं, पठामी मतलब पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ। तीसरे का अनुवाद हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए। फिर आवाम लिखामा, आवाम का मतलब हमने बोला था हम दोनों होता है, तो हम दोनों लिखते हैं, हम दोनों लिखते हैं। अहम पश्यामी, अहम मतलब मैं, पश्यामी मतलब देखना, तो मैं देखती हूँ, यहाँ पे लिखा है मैं देखती हूँ। फिर आ जाएगा अहम तरावा, तरावा मतलब चलना, अहम मतलब आवाम तरावा, आवाम मतलब हम दो, आवाम मतलब दो, हम दोनों तैरते हैं। फिर आएगा आवाम बाजावा, बाजा बाज वाद्यंत्र जो बजाने का, हम दोनों बजाते हैं। नंबर एक पे वयम खेलावा, हम सब खेलते हैं। नंबर नाइन पर देखो अत्र यहाँ पर वयम मतलब सब, स्था मतलब बैठना, विश्राम मतलब याद करते हैं, चा मतलब यहाँ हम लोग बैठते हैं और याद करते हैं। अंडरस्टूड? अहम भ्रमामी, भ्रमी तो अहम मतलब मैं, भ्रमामी मतलब घूमता हूँ, भ्रमण करना घूमना, तो भ्रमण का भ्रमामी मैं घूमता हूँ। ये पूरा होगा इस तरह से अपने इतने हुए टेन अनुवाद पूर्ता हो गए पूरे। और इसके बाद पेज नंबर अपन 200 पर आएंगे, इसमें है पुनरावृत्ति। अपन जितना पढ़ चुके हैं इसके बारे में आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कैसा क्या, जो हम सब पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन है पुनरावृत्ति, प्रथम पाठ से लेके चतुर्थ पाठ, पाठ एक से लेके चार तक। तो पहला क्वेश्चन है अधोदते पदाना वर्ण विच्छेदक रूप, मतलब जो अपन ने एक साथ लिखा है, जैसे एलकेजी यूकेजी में प्लस प्लस जैसे लिखा हमने बर्तन, बा प्लस रा, ता प्लस रा बर्तन, इसी तरह संस्कृत में है यहाँ पे लेखनी। अब लेखनी को कैसे करेंगे, देखो ला फिर प्लस आ जाएगा, फिर एक की बात आए लिखेंगे, ए लिखेंगे, यहाँ पे देखो हमने लिखा लेखनी, लेखनी का ला आ गया, एक की मात्रा में ए लिखा, खा, खा के नीचे अपन संस्कृत के जितने भी व्यंजन है
लगा दी तो देखनी इसराइल विच्छेद हमें उसको टुकड़े करके लिखना है, विच्छेदन मतलब उसको अलग अलग करके लिखना है। अब रहाणी, रहाणी में गा गा नीचे हलन करेगा क्योंकि ये संस्कृत का गा है। संस्कृत व्यंजन में प्रत्येक व्यंजन की जिस तरह से तिरछी रेखा हलन करता है और ऋषि की मात्रा तो वंशी लिखा, हा हाकी हलन प्लस आखिरी मात्रा तो आ लिख दिया प्लस रड़ा है ना के नीचे छोटी की बात होते हैं छोटी की बात लिख दी तो ग्रहाणी क्या हो गया ग्रहाणी। अब पुस्तक, पुस्तक में देखो पा के नीचे हलन अच्छी रेखा है छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ लिख दिया। सा सा में जब आधा सा लिखते हैं किस तरह तिरछी रेखा लिख देते हैं प्लस ता ता है ता की नीचे है प्लस आ जैसे सभी में आ जुड़ जाता है का प्लस सा तो क्या हो गया पुस्तक। फिर आ जाएगा इसके बाद नास्तिक ना प्लस आगे बढ़ जाए तो यहाँ बड़ा लिख दिया सा की जहलन ता छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा हुई का प्लस छोटा है नास्तिक। इस तरह से अपना ये वर्ण विच्छेद पूरा हुआ। अब आ गया कर्ता पद रिक्त स्थान पुर का। अब इसमें कर्ता मतलब क्रिया, क्रिया भरना है जैसे अब हमने होता है सी। अब यहाँ पे पठ सी है सी देखो मध्य पुरुष में है सी के साथ तोम है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे तोम पठ सी किया जाएगा तोम। तो अब देखो यहाँ पे पहले अक्षर पहले वाले खरिस्ता ने तोम लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो था है था तो सी था क्या युवा में तो था के साथ क्या लगेगा युवा में यहाँ देखो था के साथ युवा में इसलिए यहाँ पे उसमें खालिस्तान में युवा आएगा। अब देखो यहाँ पे सी सीमा पर पहले लिखा है सी था तो तोम युवा युवम सी के साथ तोम आ गया सी के साथ क्या है द्वार। अब युवम युवम के साथ देखो क्या है युवम के साथ था है केवल था है ना तो अपन ने लिख दिए युव साथ गच्छ था है तो युवम आएगा था के साथ युवम है। अब था के साथ यहाँ पे युवा है तो युवा भी लिखिए। फिर टॉम सी के साथ अपन ने पहले पढ़ा तो टॉम आ गया। फिर यहाँ यूएम आ गया यूएम में देखो क्या है था खाली तो यूएम बन दिया तो गच्छ था है तो यूएम कर दिया। अब इस तरह से पश्चात है अब अस में आ गया स्मृता तो युवाम आ गया था के साथ युवाम आ गया था कहा तो युवाम था उसे था विसर्ग इस तरह से अपना जो हो गया। अब इसके आगे रिक्त स्थानी पुरति अब इसे में इसी तरह से करना है जैसे पठामी मी में क्या आया है मी में क्या गया है यहाँ पे पठामी तो पठ प्लस आमी मी आ गया यहाँ पे आमी है ना मी पठ प्लस आमी। फिर दूसरा है लिख लिख में वह आया वह आमी आवह आमा तो लिखा वह कीड़ प्लस आमा कीड़ामा यहाँ गया कीड़ प्लस आमा कीड़ामा हस प्लस आवा हसावा धा प्लस आमी धवामी फिर बट प्लस आम पठा। इस तरह से लटका कर सबसे पहले फाउंडा याद करेंगे पीता की सातौते मध्यम पुरुष सी था तोम युवाम युवम उत्तम पुरुष आमी आवा आमा अहम अवाम भयम ये पूरा याद होंगे तब आपको पूरा अच्छी तरह से आ जाएगा। इसके बाद है अनुवाद कुरुत तो हिंदी में लिखा है उसका संस्कृत में अनुवाद करना हम आपको वैसे ओरल बता रहे बाकी हम बोर्ड पर भी लिखेंगे। वह लिखती है वह के लिए क्या आएगा सा बड़ा सा है हमने बताया था वह लिखती है स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग में सा जाएगा और सा केवल उसके लिए पुल्लिंग के लिए याद यूज होगा जैसे ही मतलब वह और श्री मतलब वह ही लड़कों के लिए हो गया यूज होता है सी लड़कियों के लिए उसी तरह। अब वह लिखती है इसका संस्कृत में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर है फाइव क्वेश्चन नंबर कौन सा है फाइव अनुवाद कुरुत अनुवाद
एक से चार तक अपन ने पूरा कर लिया है। अब आप हिंदी की बुक और संस्कृत बुक अलग अलग कर लेंगे। बुक में पूरा अभ्यास होना चाहिए और नोटबुक में जितने भी अनुवाद लिखवा रहे हैं हम, जैसे जय भी लिखवाए और भी ये जो पाठ का अनुवाद सारे नोटबुक में होना चाहिए। अब इसमें लेखा केवलम पठनम, केवल अपन को पढ़ना है। मम माता देवता, मेरी माता देवता है, मेरी भी है, सबकी माता ही देवता, क्योंकि अपन को जन्म देने वाली माता है, पालने वाली माता है, उंगली पकड़ के चलाने वाली हमारी माँ। माँ की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, गुरु से ही बढ़ के माँ है। तो मम माता देवता, मम माता देवता, अति सरला मई मृदुला, बहुत सरल है, बहुत मीठा होती है। ग्रह कुशला सा अतुला, वह घर में बहुत कुशल है, अतुला जिसकी किसी से कोई तुलना भी नहीं कर सकते। पायति दुग्धम भोजती भुक्तम, दूध देती है, भोजन बनाती है। लालयती नित्यम तोषयती नित्यम, अब हमें लालन पालन भी करती है और तोषयती संतुष्ट भी करती है हमें। सायंकाले नीरजयति, शाम को वह आरती भी करती है। पाठती च माँ शुभम करोति, और पाठ पढ़ के वह शुभ अच्छे अच्छे कार्य करती है, शुभम करोति और हमारे सुख के लिए बहुत कुछ करती है। रातो अंके माँ स्वापयति मधुर मधुर मधुरा गीत गाती, हमें सुलाने के लिए रात माँ मधुर मधुर गीत गाती है, मतलब लोरी गा के हमें सुलाती है। तो मेरी माता कैसी है देवता, इस तरह से हमने कंप्लीट करा। वो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पंचपाठ। पंचपाठ पढ़ने के पहले आप लट लकार का पूरा फार्मूला, टी ता ता अंति सा तौते, फिर मध्यम पुरुष का आ गया यहाँ पे सी था था, तो आम युवाम युवाम आमी आवा आवा अहम आवाम व्यम, ये पूरा याद होना चाहिए तभी आप ग्रामर कर पाएंगे, आपको मिस्टेक नहीं आएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल वीडियो नंबर 22 में पंचम पाठा ईश्वर सर्वत्र वस्ति, ईश्वर जो है सभी जगह निवास करता है, बसता है, अव्यव पदा नहीं। इसको आप पहले पढ़ लेंगे, इसकी मीनिंग भी देख लेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। एक बार मीनिंग बता देते हैं। अत्र मतलब यहाँ, पुत्र मतलब कहाँ, कदापि मतलब कभी भी, कदा मीन्स कब, अध्य मतलब आज, अधूना मतलब अब, यदा जब, तदा तब, बही बाहर, सर्वदा हमेशा, सर्वत्र सब जगह, किमर्थम इसलिए, उच्च ही जोर से, नीच ही नीचे, तत्र वहां, एव हो तीव्रम तेज, अधा नीचे, अधा अधा नीचे, और यत्र जहां शनह शनह है, धीरे धीरे है, मतलब आने वाला कम, आने वाला कल, अपि भी चा मतलब और, इस तरह से। और इसमें कई अव्यय पदानी है, पूरे करेंगे और हम कल पाठ पाठ पढ़ेंगे। ध्यान रहे अभी जितना हम पढ़ चुके हैं सबकी नोटबुक और बुक कंप्लीट होना चाहिए। बुक और नोटबुक दोनों हमें चेक करने भेजना है। अगर आपकी दोनों चीज नहीं आई तो आपको इसके नंबर नहीं दिए जाएंगे। ध्यान रहे नोटबुक और बुक पूरी कंप्लीट करना है। पूरा पाठशाला तक हो चुका अभी तक जो, और जो हम आगे पढ़ाएंगे वह भी कंप्लीट होना चाहिए। मैसेज जब तक नहीं आता, जब मैसेज आएगा जितना हमने पढ़ा चुके उतना कंप्लीट होना चाहिए। सभी बच्चों को बुक नोटबुक भेजना है। अभी नहीं भेजेंगी तो आपको नंबर नहीं दिए गए, आपकी माइनस मार्किंग हो जाएगी। और ठीक है, बाय, थैंक यू।